अभी मैं ये काट रहा हूँ। कैमरामैन नहीं है तो मैं बताता कैसे काटते हैं। तो ये बन गया दत्था, जिसको हम अपनी जबान में बोलते हैं दत्था, मतलब पत्थरों का दत्था बना दिया हमने। अभी लेके जाएंगे अपने बकरी हमारे पास, उसको डालेंगे अब उसका दिन का खाना। ये तो गाइस यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यहाँ पे वहां से भी व्लॉग शूट हो रहा है, यहाँ से भी शूट हो रहा है, और मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्या बनाया मैंने, क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे, सेवैया। वाह वाह, थैंक यू सो मच मैम, ओके गॉड ब्लेस यू। पहले टेस्ट करो कैसी बनी है। लेट मी टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अच्छी है, बस स्वीट। थैंक यू, ओके बाय। मरीज पे है, मरीज हम यहाँ मरीज है। ये मरीज पड़े हुए हैं, तो अगर वो मरीज नहीं है, बीमार हो गया है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दिन को हमको घुमाएंगे, बताएंगे आगे के पीछे जगह, लेकिन मैं बाहर क्यों रहा, बहुत बारिश हो रही हाँ है। तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सुबह मैं आपको देखा होगा वीडियो में, मैं लगा रहा था, पापा की हेल्प कर रहा था मैं, तो थोड़ी बारिश मेरे पे थोड़ी बारिश पड़ गई है, जिसकी वजह से मुझे बुखार सा फिर से फील हो रहा है, मुझे फिर से बुखार फील हो रहा है। तो अभी मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ, इसलिए बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मम्मा राजौरी गए हुए, तो अभी हम बैठे हुए हैं आराम से, अब देखते हैं क्या रहता सीन, पता नहीं पीछे बर्फ़ पड़ रही है नहीं पड़ रही है, अगर थोड़ी देर अगली साइड अगर बर्फ़ पड़ रही होगी तो देखेंगे, कोशिश करेंगे जाने की। तो फिलहाल देखते हैं अभी, तो बनेगा व्लॉग में। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना और अपना 150 रुपया देते रहना। ये देखो हमारी एक लड़की है यहाँ पे, जान लड़की। यार लगा 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 यार, क्यों यार, मैं यार बड़ी मुश्किल से इसकी मैं अच्छा लगाओ ना, लगाओ लगाओ। इधर से बताओ, इधर से बताओ। वाओ स्वीट गर्ल। लगो वो अब तैयार कर रही है। क्या जान कर रहा है जान भाई, क्या कर रहे हो जान, आप लड़की देख। ओह भाई, ओ भाई अभी की न्यूज़ बता ये है कि देखो बाहर बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है कहीं बर्फ़ पड़ रही होगी। तो बताते हैं जी मौसम आपको कैसा, धुंध पड़ी हुई बिल्कुल, धुंध खा गई है यहाँ पे। तो ये देखें, बर्फ़ पड़ रही है देरा गली, पता आपको, देखें जी ये धुंध, देरा गली बर्फ़ पड़ रही है, पता कौन बो रहा, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ कौन बो रहा है, मैं बो रही हूँ ना, देरा गली बर्फ़ पड़ रही है, चलो बर्फ पड़ रही है, लाइव बर्फ देखनी है मुझे अब घर के पास है। चलो यार ऐसे कर रही है, बर्फ पड़ रही है, भगो 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 भगो। तो गाइस देखें जी धुंध, अभी हम जा रहे हैं जैन भाई के घर। भाई का मौसम बताता हूँ, बहुत ही मतलब गंदे वाला मौसम है, एकदम से तेज तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश इतनी तेज हो रही है, सोचा था कि बर्फ पड़ेगी लेकिन बर्फ तो पड़ी नहीं। यहाँ पे हमने सुबह सुबह का प्लान ये, यहाँ पे मैंने ये काटना है, ये करेले बनाने की सब्ज़ी बनानी है करेले की, तो यहाँ पे भरना खाना, तो यहाँ पे चली हुई आग, फिर से वही बता रहे हैं आपको, पहले बाहर का मौसम बताते हैं आपको, तो फिर उसके साथ उसके बाद में बातें करते हैं। खिड़की से भी वो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, तेज़ तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा फंस गए हम यहाँ पे, अब राजौरी कैसे जाएंगे, मैंने बाइक लाई हुई है, अब बाइक भी नहीं जा पाएगी, अब लगता है बाइक को यहीं छोड़ना पड़ेगा, फिर अब जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज बर्फ़ पड़े, उम्मीद है कि आज बर्फ़ पड़े और हम बर्फ़ इंजॉय करें आज। फिलहाल चलते हैं खाना बनाते हैं, कहाँ पड़ी है बर्फ़, देर वाली किस्म बर्फ़, कोई बर्फ़ नहीं पड़ी, बारिश पड़ रही है, बर्फ़ पड़ी, देर पड़ी हुई, कैसे पता, कैसे पता देर गली पड़ी हुई है। यहाँ पे मेरे से सुबह सुबह बहस नहीं करो, कोई देर गली बर्फ़ नहीं पड़ी, पता कहाँ पड़ी है, रतन शाह जो पीछे जाना, रतन शाह देर गली, वो रतन शाह वाला एरिया ही है साइड वाला, उधर नहीं नहीं हमें उम्र सारी यही, उम्र सारी आपको हो गया ना, लेकिन उतना पता है देर गली पड़ी हुई है, बर्फ़ तो चलना है क्योंकि मैंने बर्फ नहीं देखी, अब मैं पता नहीं कब आऊंगा, कितने हफ्ते बाद आना ये मेरे पता नहीं है, कब आना है, ये देखो ना, कोई बात नहीं, मैं सुबह चल गया, मैं चूल्हे पे खा लूंगा। मम्मी ने मक्की बना के रखी हुई थी, अभी हम उबालने के लिए उसको जा रहे हैं।
नमक नरम हो जाएंगे जी, जब ये नरम हो जाएंगे तभी हम इनको खाएंगे गर्म पानी में डाल के। थोड़ा नमक भी डालना है। ये लो नमक डाल के ये उबालेंगे। जब ये अच्छे से नरम हो जाएंगे तो फिर हम इनको खाएंगे। ये हम बना के रखते हैं सर्दियों के लिए, है ना, सर्दियों में ये काम आती है। अभी चूल्हे पे मम्मी डाल रहे हैं। कुछ खाने को यार, एक तो बुखार चढ़ा हुआ है। मैंने लाया है खाने के लिए, लो ना। हाँ जी, क्या लाया? ये देखो। क्या ये? आपको पता था मैंने गरम कर दिया। ये देखो, ये जो खुमे बोलते हैं इसको, खुमे। हाँ, खुम बोलते हैं अपने, ऐसे मक्की बोलते हैं। गरम किए ना पानी में तो। अच्छा, ये जो गाइस ये देखें, ये जो हम लोग क्या करते हैं, जो पहाड़ी लोग, हम लोग जब मक्की होती है पहले इसको पकाते हैं इसको आग में, फिर उसके बाद हम इसको रख देते हैं सियाल के लिए, मतलब जब विंटर सीजन आता है तब इसको हम बॉयल करके खाते हैं। तो देखें इसमें से धुआं कैसा आ रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ अभी एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बारिश है बाहर, बर्फ पड़ रही है, बर्फ रात को पड़ेगी। तेरा गली तो पड़ रही है। कौन बर्फ पड़ रही है? मैं बोल रही हूँ। आप तो तेरा गली कौन से बर्फ पड़ रही है? क्यों नहीं पड़ रही? तू यहाँ ही है, मेरे वाली बर्फ पड़ रही है। अब गरम गरम खाओ मक्की। मैं बकरी। तो गाइस अभी एक मसला हो गया यहाँ पे, बताते हैं। पहले ये देखें, पहले ये चेक करें, पहले ये चेक करें। हुआ ये है कि जो मेरे भैया का घर है उसके ऊपर जो माउंटेन थी उसके ऊपर टीन बिछा रहा था, वो टीन बिल्कुल सारा उड़ गया। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना यार, क्या बताएं आपको। अभी बताते हैं आपको, देखिए जी, ये रही माउंटेन और ये रहा जी, ये पड़ा टीन, ये टीन पड़ा जाके यहाँ पे, पूरा का पूरा टीन उतर गया यहाँ से। बताते हैं अंदर जाके आप, देखो क्या हो गया, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। उफ उफ उफ, इतनी बारिश, तो इस बारिश कहाँ पे चले? कबूतर गीले हो गए, कबूतर गीले हो गए आपके? वो पानी भाई, बच्चे बेचारे उसको गीले हो गए अंदर से सारे। कहाँ पे? वो अंदर पेटी में देखो ना, पानी कितना गया, आपने अपनी पेटी में है लेकर गीले हो गए। तो दोस्तों ये देखो जी, ये हम बोलते हैं इस जमाने में इसको गाड़ी। तो ये जो आधी गाड़ी है घास की, कहा की बोलते हैं इसको, तो ये आधी उड़ चुकी है। आपको लग रहा है यहाँ पे ये बहुत तेज तूफान चल रहा है, बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। उफ, ओह यार क्या बोले, उफ़।